So wait, we'll start at the 3 p.m. exactly. A very good afternoon everyone, and जो जो भी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी मैसेज करता रहे, मुझे पता लगता रहे, अपने अपने नाम जल्दी जल्दी मैसेज करते रहिए. एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेरी गुड आफ्टरनून. एंड डेफिनेटली विल स्टार्ट एट 3 p.m. अ फ्यू सेटिंग्स आर लेफ्ट, सो आई स्टार्ट एट 3 p.m. सो स्टे ट्यून्ड. हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. दिस इज़ नॉट माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर्स. स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट लाइव क्लास है और हम प्रोफेशनल वे से इसको स्टार्ट कर रहे हैं. प्रोफेशनल हमने एक स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं, हम उसकी आज स्टार्टिंग हो चुकी है. तो आगे जाकर आपको और भी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ मिलेगी विद डिजिटल बोर्ड, वो सारा ऑन प्रोसेस है. तो आज का जो जो लेक्चर है वो आई रिकॉर्ड इन हिंदी, बिकॉज आउट ऑफ स्टेट से हमारे अलग अलग सात स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से अलग अलग स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं. तो ओबियसली दे कांट अंडरस्टैंड पंजाबी, सो आई हैव टू स्पीक इन हिंदी. आई थिंक ऑल विल बी कम्फर्टेबल. तो जो आज हमारा टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट का, वो रेशो का टॉपिक है. साथ साथ में मैं आपके डाउट्स भी लेता रहूँगा, ठीक है. तो पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर डाउट्स देखेंगे. हमारे पास प्रॉपर बोर्ड है और आप मुझे पहले ये बता दीजिए कि प्रॉपर क्लैरिटी है आपको पास, प्रॉपर सभी को प्रॉपरली क्लैरिटी है सभी को, वॉइस क्लैरिटी. तो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी जल्दी. तो शुड आई स्टार्ट स्टूडेंट्स? हाँ जी, शुड आई स्टार्ट स्टूडेंट्स? क्विकली रिस्पॉन्ड. ओके फाइन. तो हाँ जी, हाँ जी, करिए. ओके 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 फाइन. ओके, जुगविंदर कह रहे हैं आज हिंदी दिवस है तो इसलिए हिंदी में आज लेक्चर होना चाहिए. ओके फाइन, बिल्कुल क्लियर है ना. चलो तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट के बाद मैं साथ साथ में लिखता रहूँगा प्रॉपरली. कोई भी डाउट्स है तो आप बता देना. क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली. आज का जो टॉपिक हमारा रेशो का,
तो स्टूडेंट्स रेशो में एग्जैक्टली होता क्या है और रेशो क्या होता है इसमें एनटीए जो लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, अभी हमारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, हम 1 आवर तक भी लेक्चर लगा सकते हैं, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, फाइन। स्टूडेंट्स पहले तो ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि जो हमारे पास रेशो का टॉपिक है वो हर अलग अलग एग्जाम में आता है, लेकिन उसका जो लेवल है वो अलग अलग रहता है। वो अलग अलग लेवल कैसे रहता है, जैसे एनटीए का लेवल अलग है, ठीक है, एसएससी का लेवल डिफरेंट है, पीओ का लेवल डिफरेंट है, लेकिन जो रेशो के क्वेश्चन एनटीए यूई सेट में आते हैं हम उस लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि बहुत बेसिक लेवल आपको पूछा जाता है और हम बहुत अच्छे वे से इस टॉपिक को कवर अप करेंगे और आपका डेफिनेटली आपके इस पार्ट में से एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको और एक क्वेश्चन आपको डीआई के रिलेटेड मिलेगा। तो मींस अगर आप रेशो को अच्छे से कर लेते हो तो स्टूडेंट्स यहां से आपको 2 क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं। मींस आज का जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो अभी ऑडिबल प्रॉपर है, ओके ओके क्लियर है जी, बिल्कुल सभी को, है ना। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम रेशो के ऊपर। तो स्टूडेंट्स पहले हम देखते हैं कि रेशो होता क्या है। रेशो किसी भी नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसको हम आर्बिट्ररी वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम आर्बिट्ररी वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम इमेजिनरी वैल्यू बोल सकते हैं। इमेजिनरी वैल्यू ठीक है। जो रेशो होता है उसको हम इमेजिनरी वैल्यू बोलते हैं, मींस इसको हम आर्बिट्ररी वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास कोई नंबर है, ए ओ नंबर है और बी नंबर है, ठीक है, इनकी रेशो है 3:4, ठीक है। साथ साथ में हम वर्धमान करियर पेस की जो बुकलेट्स हैं वो भी साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। आपके पास वो बुकलेट्स ऑलरेडी हैं। ए रेशो बी है हमारे पास, सपोज कीजिए ए के 3 पार्ट हैं, बी के 4 पार्ट हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट्स हैं, मींस ए के पास 3 पार्ट हैं, बी के पास 4 पार्ट्स हैं, फाइन। तो ये एग्जैक्टली ए का नंबर नहीं है, ए की रेशो है, गॉट इट। तो अभी ए का ओरिजिनल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए के पास 3 पार्ट हैं, बी के पास 4 पार्ट हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी सपोज कीजिए हम ये कह सकते हैं कि ए के पास 3 शेयर हैं, बी के पास 4 शेयर हैं। अब इसका ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है हमने, सपोज कीजिए हमने नंबर फाइंड आउट करना है ए का ओरिजिनल नंबर। उसके लिए हमें एक कंडीशन चाहिए, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, हम पहली कंडीशन पे बात करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमें पता है कि ए और बी दो फ्रेंड हैं, ठीक है, ए और बी दो फ्रेंड्स हैं हमारे पास, अगर उन्होंने कोई टैक्सी हायर की है और रेंट देना है, एक टैक्सी हायर की उसका रेंट पे करना है ए और बी ने, सपोज कीजिए और ए और बी ने टोटल रेंट पे किया 70 रुपीज़। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ आपको। अगर आपको टोटल वैल्यू दी हुई है, टोटल वैल्यू क्या दी हुई है आपको, 70 रुपीज़, टोटल इज गिवन 70 रुपीज़। तो अब हमने देखना है ए और बी के पास टोटल शेयर कितना है, 7 पार्ट है, पार्ट प्लस 7 पार्ट है हमारे पास, 7 पार्ट्स हैं, टोटल कितना था, 70 रुपीज़ था। तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई 10 रुपीज़, 70 अगर 7 पार्ट्स के इक्वल है तो एक पार्ट की वैल्यू क्या रहेगी, 10 रुपीज़ रहेगी। अब ए ने कितने पार्ट पे करने हैं, ए ने 3 पार्ट पे करने हैं, एक पार्ट की वैल्यू 10 है तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 30 रुपीज़। अगर बी ने 4 पार्ट पे करने हैं, अगर एक पार्ट की वैल्यू 10 है तो 4 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 40 रुपीज़, क्लियर है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये पता है कि ए ने 3 पार्ट, बी के 4 पार्ट, टोटल पार्ट कितने हो गए, 7 पार्ट। अगर हमें जो भी टोटल दिया होगा उससे हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर ए की वैल्यू भी आ जाएगी और बी की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ आपके सामने। अगर हमें सपोज कीजिए यहाँ पे ए और बी है, ए और बी ने टोटल पे 490 रुपीज़ पे किए हैं, ए और बी ने टोटल कितने रुपीज़ पे किए हुए हैं, 490। अब स्टूडेंट 490 ए और बी ने टोटल पे किए हैं, टोटल पार्ट कितने हैं, 7 पार्ट। तो 7 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 490 आ गई, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 70 रुपीज़। 490 डिवाइड बाय 7, तो 70 रुपीज़ एक पार्ट की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू क्या निकलेगी, एक पार्ट की वैल्यू 70 है, तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 × 70 210। बी के पास 4 पार्ट है, एक पार्ट की वैल्यू 70 है, 70 × 4 कितना हो गया, 280 हो गया, 70 × 4 कितना हो गया, 280 हो गया, क्लियर है।
तो अभी ये कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने एक ही कॉन्सेप्ट करवाया अभी को आपको, जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें जो रेशो दी हुई है स्टूडेंट्स, तो हमें टोटल दिया होगा, अगर टोटल दिया हुआ है तो आप इनका भी रेशो का भी क्या कर दो, टोटल कर दो। एग्जैक्टली हमने एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, अगर एक पार्ट की वैल्यू निकल गई तो हमारे पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी और बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो अभी जल्दी जल्दी बता दीजिए, अगर समझ आ गया तो जल्दी जल्दी उसमें लिख दीजिए। सुमन पुनिया ने बोला कि सर रिपीट कर दो। बच्चे बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल बेसिक से बेसिक, जीरो से जीरो लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ए और बी वैल्यूज, ए को थ्री पार्ट मिले हैं, एक को फोर पार्ट मिले हैं। सपोज करो आप दो बहनें हो, एक को थ्री पार्ट मिल गए, एक को फोर पार्ट मिल गए, टोटल कितने पार्ट हो गए, सेवन पार्ट हो गए। तो 490 रुपीज़ हैं टोटल, तो 490 रुपीज़ को सेवन पार्ट हैं, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 70 रुपीज़ की आ गई। तो एक बहन को थ्री पार्ट मिले, थ्री इंटू 70 क्या हो गया, 210। दूसरे को फोर पार्ट मिले तो फोर इंटू 70 क्या हो गया, 280। मीन्स ए की वैल्यू 210 आ गई, बी की वैल्यू 280 आ गई। हाँ जी अभी क्लियर है, बता दो अभी। हाँ जी क्लियर है अभी, हाँ जी क्लियर है। तो स्टूडेंट्स प्लीज, अगर आपको प्रॉपर वीडियो समझ आ रही है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो साथ साथ लाइक करते रहिए वीडियो को, लाइक का बटन जरूर आपने बटन प्रेस करना है। अगर लग रहा है, मोस्टली चैनल बोलते हैं कि लाइक करो, मैं कह रहा हूं अगर समझ आ रहा है तो लाइक करना, अदरवाइज मत करना, सिंपल। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, अदरवाइज मत लाइक करो, ठीक है। क्योंकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, कि अगर आप लाइक करोगे तो हमें पता लगता रहेगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, फाइन। हाँ जी ये क्लियर हो गया। सुमन पुनिया, सुमन आपका जो डाउट था स्टूडेंट्स, वो अभी आई थिंक क्लियर हो गया, तो बता दो जल्दी, क्लियर। तो मैं इसी कंसेप्ट को आगे लेके जा रहा हूँ, दो क्वेश्चन आने हैं नेट में, इस पे बेसिस पे आपको। हाँ जी जल्दी बता दो, ओके क्लियर है सुमन, ओके रब कर दो स्टूडेंट्स जल्दी, ठीक है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में यस लिख दिए जो मुझे पता लगता रहे, ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना हो। ओके 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 ठीक है। तो अभी इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं स्टूडेंट्स, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन एक बार आया था, लास्ट टू लास्ट आई थिंक ये क्वेश्चन था, कि अभी हमने दो टर्म्स ली थी ना ए और बी की, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अभी हमने क्या किया था, हमने टोटल किया था, तो टोटल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अभी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट करना है, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट करना है। तो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आएगा, सपोज कीजिए हमारे पास कोई भी दो स्टूडेंट हैं, कीर्ति है कमलजीत है, ठीक है, कीर्ति और कमलजीत, तो दो फ्रेंड्स हैं कीर्ति और कमलजीत, हमारे दो स्टूडेंट्स हैं। सपोज कीजिए कीर्ति और कमलजीत की जो रेशो है वो 5:3 है, कीर्ति और कमलजीत की रेशो 5:3 है, मींस कीर्ति की इनकम में 5 पार्ट है, कमलजीत की इनकम के 3 पार्ट है। कमलजीत को बुरा लग रहा होगा कि उसकी इनकम मैंने कम क्यों कर दी, है ना, फाइन, तो कोई बात नहीं, रिवर्स कर लो आप अपने आप। कीर्ति की इनकम के 5 पार्ट हैं, कमलजीत की इनकम के 3 पार्ट हैं, ठीक है। अभी सपोज कीजिए इनको जो टोटल इनका डिफरेंस बोला है, कि वो डिफरेंस कैसे आएगा, डिफरेंस ऐसे नहीं लिखाएगा कि इनकी इनकम में ये डिफरेंस है, तो एक प्रॉपर लाइन लिखी आएगी, या आप कोई रेंट पे कर रहे हो या इनकम कर रहे हो। आप सपोज करो कीर्ति गेट्स 160 रुपीज मोर देन कमलजीत, तो ये लाइन लिखी हुई है, कीर्ति गेट्स 160 रुपीज मोर देन कमलजीत, क्लियर। तो अभी कीर्ति 160 रुपीज, कीर्ति को 160 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं, किससे, कमलजीत से। अब ध्यान से देखिए, अभी क्या ये टोटल नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या डिफरेंस है, कीर्ति को ज्यादा मिल रहे हैं कमलजीत से, तो 160 रुपीज डिफरेंस आ गया। कीर्ति और कमलजीत में डिफरेंस कितना है, 2 पार्ट का डिफरेंस है, कितने पार्ट का है, 2 पार्ट का है, तो अभी 2 पार्ट इक्वल टू 160 रुपीज, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 80 रुपीज, एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, 80 रुपीज, क्लियर। अगर एक पार्ट की वैल्यू 80 रुपीज है, कीर्ति को 5 पार्ट मिले हैं, 5 इंटू 400,
कमलजीत को 3 पार्ट मिले हैं, 3 × 80 = 240, तो आंसर कमलजीत की इनकम कितनी होगी, 240 होगी। कीर्ति की इनकम कितनी होगी, 400। हमने यहाँ पे डिफरेंस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस वाली स्टेटमेंट लिखी थी, क्लियर है। यहाँ पे पहले हमें टोटल मिला था, यहाँ पे ये मिला है कि कीर्ति को 160 रुपीज ज़्यादा मिले हैं, किससे, कमलजीत से, तो हमने रेशो का भी डिफरेंस ले लिया। रेशो का टोटल कब लेना है, डिफरेंस कब लेना है, ये क्लियर है, पहले ये बता दो फिर आगे चलूंगा। हाँ जी, ये क्लियर है, मजा आ रहा है आपको, समझ आ रहा है, क्लियर है, लग रहा है कि फिजिकल क्लास चल रही है। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, क्लियर है, हाँ जी ओके है, कोई भी डाउट इस कंसेप्ट में तो बता दीजिए प्लीज, क्लियर है, ओके है, ठीक है। सतवीर को रिपीट लास्ट पार्ट, बच्चे अब देखो यहाँ पे 2 पार्ट का डिफरेंस है ना, 2 पार्ट का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है, 160 रुपीज का है, 2 पार्ट 160, 1 पार्ट 80 रुपीज। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 80 रुपीज है तो 5 पार्ट 5 × 80 = 400, 3 × 80 = 240, क्लियर है, अभी क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है जी। तो वर्धमान ने YouTube पे लाइव थोड़ा सा लेट जरूर किया है लाइव क्लासेस, पर हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, प्रोफेशनल कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है, और प्रॉपरली एक अभी आगे जाकर बहुत जल्दी आपको एक यहाँ पे डिजिटल बोर्ड मिलेगा, तो जो क्वालिटी है और भी अच्छी हम इम्प्रूव करेंगे, फाइन। तो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, इसी क्वेश्चंस को मैं लेकर चलता हूँ। अभी हमारे पास 4 फ्रेंड्स हैं, हम कोई भी 4 स्टूडेंट्स के नाम ले लेते हैं, दीपिका, दलजीत, सुमन, दीपिका, सुमन, दलजीत और एक कोई भी और ले लो आप, मीना, ठीक है। 4 स्टूडेंट्स के मैंने नाम ले लिए अपने ही स्टूडेंट्स के, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, अभी रेशो लेते हैं कि स्पोज कीजिए 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स मूवी देखने चले गए और मूवी पे इन्होंने कुछ ना कुछ खर्च किया, और किस रेशो में खर्च किया, वो रेशो में खर्च किया 7:5:3:1, इस रेशो में खर्च किया। हाँ जी, गॉट इट, इस रेशो में इन्होंने खर्च कर दिया, क्लियर है, और इनके टोटल रुपीस खर्च हुए हैं 960 रुपीस। पहला क्वेश्चन ये बनाया, पहली स्टेटमेंट तो ये मिलेगी कि 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने इस रेशो में खर्च किए, टोटल खर्च किए 960, गॉट इट, पहली स्टेटमेंट है, पहली कंडीशन है 960। दूसरी कंडीशन है, अच्छा चलो पहली कंडीशन मैंने आपको दे दी, जिस चीज को समझ आया जल्दी जल्दी बता दो, दलजीत कितने खर्च करेगी, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, दलजीत कितने पे करेगी, टोटल 960 पे किए हैं, रेशो दी हुई है, दलजीत कितने पे कर रही है, जल्दी कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन सबसे जल्दी करेगा, दलजीत करते हैं सबसे पहले, देखते हैं जल्दी क्विकली। दलजीत अभी अभी देखते हैं, सुब्रादीप 60, गुरजीत कौर 180, हरदीप 240, तुषार 180, गुरी 60, मीना 18। बच्चों अलग अलग रिस्पांस कर रहे हो सभी, कोई 180 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है, कोई 320 बोल रहा है, क्या हो रहा है आपको, हाँ जी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, 960 टोटल है, 7 + 5 = 3, 1, टोटल पार्ट कितने हो गए, टोटल पार्ट हो गए 16, टोटल पार्ट 16, टोटल कितना है 960, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपीज, एक पार्ट की वैल्यू 60 रुपीज है,
तो हमने दिलजीत की वैल्यू निकालनी थी। दिलजीत कितने पार्ट, दिलजीत थ्री पार्ट, 3 × 60 क्या हो गया 180। आंसर क्या आएगा 180, चेक कर लो। जिसने 180 बोला है वो सही है, बाकी गलत है। मनदीप सिंह 320, बच्चे क्या कर रहे हो, 180 आएगा। क्लियर है अभी सभी को? अगर नहीं क्लियर हो तो नो लिख दो जल्दी जल्दी। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं पहले बता देता हूं कि एनटीए यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है और आप सभी कंफ्यूज्ड होंगे कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए, लेकिन वेट करते रहो, आ जाएंगे। कल मैं एक स्पेशल क्लास लेके आ रहा हूं आपके पास 2 आवर्स की, जिसमें हम बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स करेंगे पेपर वन के ओवरऑल, कि कहां कहां से क्वेश्चंस ट्रिकली क्वेश्चन आता है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस ही सॉल्व कराऊंगा कि कौन कौन से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं अलग अलग सेक्शंस में से। तो उसके लिए आपको अपडेट करेंगे जल्दी शाम तक। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? हरप्रीत चिम्मा कहते हैं रिपीट कर दो सर। हरप्रीत जी क्या करें, टोटल बच्चे 7 + 5 = 12 होता है, +3 = 15 इसको टोटल कर लो, 16 पार्ट हो गए। टोटल दिया हुआ है 16 पार्ट, 960 के इक्वल होता है। वन पार्ट की वैल्यू 60 आ गई। दिलजीत के पास 3 पार्ट थे, 3 × 60 180 हो गया, आंसर आ गया 180। अभी क्लियर है तो बता दो। हाँ जी पीरपाल, क्लियर है अभी? हाँ जी गॉट इट। जल्दी जल्दी जिसके डाउट्स होते हैं ना वो जल्दी कमेंट कीजिए प्लीज, जिसके डाउट होते हैं वो जल्दी कमेंट कर दीजिए प्लीज। क्लियर है? ओके जी क्लियर है, चलो फाइन। ओके चल, अभी नेक्स्ट मैं एक स्टेटमेंट डालता हूं आपको। इसी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में अलग से स्टेटमेंट दी जा सकती है। अभी स्टेटमेंट डिफरेंट है हमारे पास, रेशो सेम है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि दीपिका पेस, दीपिका पेस 300 rupees मोर देन मीना, मोर देन मीना, ठीक है। दीपिका पेस 300 rupees मोर देन मीना, गॉट इट? तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास हाउ मच, हाउ मच सुमन पेस, हाउ मच सुमन पेस। तो क्वेश्चन ये है, जल्दी देखते हैं कौन निकालता है सबसे पहले। हाँ जी फाइन, जल्दी क्वेश्चन पढ़ लो। दीपिका पेस 300 rupees मोर देन मीना, हाउ मच सुमन पेस, सुमन कितनी पे करेगी, कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले कौन निकालता देखते हैं जल्दी। सबसे पहले जल्दी क्विकली क्या कर रहे हो, फास्ट, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में स्टूडेंट्स, फास्ट फास्ट फास्ट, हरी अप, कम ऑन। देखते हैं जी सबसे पहले कौन निकालता है। आई विल अनाउंस द नेम जो सबसे पहले आंसर करेगा और करेक्ट आंसर करेगा। हरप्रीत कौर, हरप्रीत कौर ने सबसे पहले आंसर किया 150। अब देखते हैं वो सही है या गलत है, बाकियों के भी देख लेते हैं 2 मिनट। गुरजीत कौर ने किया है 300। अभी डिफरेंस आ गया, हरप्रीत और गुरजीत में डिफरेंस है। अब देखते हैं पहले कौन सही है। ओ वाओ सुमन 93, सुमन का 93, मीना का 375, तो बहुत ही डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स, क्या कर क्या रहे हो? ओके पहले जल्दी जल्दी प्लीज लाइक कर लीजिए अगर समझ आ रहा है तो, क्योंकि 58 स्टूडेंट्स देख रहे हैं और 34 लाइक्स हैं, ठीक है। तो प्लीज जल्दी लाइक कर लीजिए, अगर नहीं किया तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, कोई पेमेंट थोड़ी देनी है आपको, दे चुके हो आप ऑलरेडी। अभी क्या है, दीपिका पेज मोर 300 rupees देन मीना, दीपिका ने मीना से 300 rupees ज्यादा पे किया है। एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है,
ये देखो डिफरेंस दिया हुआ है बच्चों, डिफरेंस किसका 300, दीपिका और मीना का। दीपिका के पास कितने पार्ट हैं? दीपिका के पास 7 पार्ट हैं, मीना के पास 1 पार्ट है। तो 7 पार्ट और 1 पार्ट में डिफरेंस क्या आ गया? 6 पार्ट का डिफरेंस आ गया। तो 6 पार्ट की जो वैल्यू है वो 300 है और 1 पार्ट की जो वैल्यू है वो 50 रुपीज है। अभी सुमन की वैल्यू निकालनी थी, सुमन कितना पे करेगी? सुमन के पास 5 पार्ट हैं, 5 × 50 कितना हो गया? 250 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 250 बीरपाल ने किया, गुरी ने गलत किया, जगदीप ने गलत किया। क्या कर रहे हो? 375 कहां से आ गए? और डिफरेंस करना था 7 और 1 में डिफरेंस करना था। क्या कर रहे हो? एक पार्ट की वैल्यू 50 रुपीज है, तो 5 × 50 क्या हो गया? 250 हुआ। क्लियर है? 300, दीपिका 75, क्या कर रहे हो? ठीक है जी, समझ आ रहा है सभी को? हाँ जी, गॉट इट बच्चे? ध्यान से समझिए, 300 जो वैल्यू है वो 7 पार्ट के इक्वल नहीं है, वो डिफरेंस दिया हुआ है। तो 7 − 1 = 6 पार्ट 300 के इक्वल है। एक पार्ट की वैल्यू 50 रुपीज आई है और 5 पार्ट निकालने थे, 5 × 50 250 हो गया। आप जल्दी जल्दी लिख दो, जिसके गलत है वो यस लिख दो तो मैं आगे चलूं। जल्दी जल्दी, ठीक है जी, जिसके गलत हैं जल्दी जल्दी लिख दो। हाँ जी, क्लियर है? कीर्ति नागपाल ने बोला है 600 सम। बच्चे सम जो दिया हुआ है वो 300 है, मतलब सम नहीं दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, सॉरी डिफरेंस दिया हुआ है। अभी क्लियर है? चलो ओके जी, क्लियर हो गया अभी सभी को? फाइन। तो ये बेसिक था। तो स्टूडेंट्स, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर वी आर गिवन डिफरेंस और टोटल, कि हमें टोटल दिया हुआ है या डिफरेंस दिया हुआ है। सिंपल, तो आप लोगों ने ये देखना है पहले तो। फाइन, तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास टोटल और इसका। अभी इसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलूंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4th है हमारी बुकलेट में, हमारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 4th है, ठीक है? अभी जिनके पास बुकलेट है वो देख लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन डिक्टेट करवा रहा हूँ। उसमें क्या दिया हुआ है कि 780 रुपीज टोटल है, 780 रुपीज टोटल है, और फोर्थ क्वेश्चन है, और उसको 3 रेशो में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट रेशो है 12, सेकंड है 13, थर्ड है 14, मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है उसको। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है। जल्दी निकालो अभी, क्विकली विद इन सेकंड, जल्दी जल्दी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में। अगर ऐसा क्वेश्चन मे बी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेहनत करने की भी बहुत जरूरत है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जल्दी क्लियर कर दो, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी, रजिंदर कौर ने बोला है 20। बच्चे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 20 रुपीज आएगी क्या? अच्छा जी, रजिंदर कौर 240, कीर्ति नागपाल 250। क्लियर है सर? कीर्ति 250 आएगी क्या बच्चे? ऑप्शन में नहीं है 250। कीर्ति ऑप्शन में नहीं है 250। हाँ जी, सभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऑलमोस्ट 240 आएगा, तो 240 तो क्लियर ही है। तो टोटल करो, ये टोटल दिया हुआ है तो टोटल कर दो। टोटल कितना हो गया? 39 पार्ट की वैल्यू 780 है, एक पार्ट की वैल्यू क्या आ गई? 20 रुपीज। अभी आंसर 20 रुपीज नहीं है, वे तो एक पार्ट की वैल्यू है। उसने फर्स्ट पार्ट बोला था, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 12 थी, 12 × 20 क्या हो गया? 240 हो गया। आंसर क्या आ गया? 240, चेक कर लो। हाँ जी, क्लियर है? 240 आ गया, जल्दी। ओके फाइन, तो ये क्वेश्चन आपके, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इस बुकलेट में वो इस तरह सॉल्व हो जाएंगे। बट आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि डिफरेंस दिया हुआ है या हमारे हमारे पास
टोटल दिया हुआ है, क्लियर है जी? ओके फाइन, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। अभी थोड़ा सा टॉपिक को परसेंटेज में ले जाते हैं, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अभी कंसेप्ट कराया है इस कंसेप्ट पे और जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट में, रेशो के 90% चांसेस है क्वेश्चन आने के, जो मैं अभी आपको करवा चुका हूँ और जो अभी करवाने जा रहा हूँ, इन दोनों कॉन्सेप्ट में से 90% चांसेस होते हैं रेशो का क्वेश्चन बनने के, ठीक है? बाकी भी मिसलेनियस करेंगे लेकिन इन दोनों में ज़्यादा चांसेस हैं। अभी देखिए हमारे पास ये सपोज कीजिए कि वर्धमान इंस्टीट्यूट में 2020 में जो रेशो थी गर्ल्स और बॉयज़ की, वर्धमान इंस्टीट्यूट में 2020 में गर्ल्स और बॉयज़ की जो रेशो थी सपोज कीजिए वो 5:3 थी, मींस गर्ल्स की पार्ट 5 थे और बॉयज़ के पार्ट 3 थे, गर्ल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है बॉयज़ की स्ट्रेंथ कम थी, फाइन। तो अभी क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर 2021 में सपोज कीजिए एक स्टेटमेंट दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि गर्ल्स की स्ट्रेंथ 10% इंक्रीज होगी और बॉयज़ की परसेंटेज 10% डिक्रीज होगी, मींस बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है वो और भी कम हो जाएगी, गर्ल्स की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो हमें अब न्यू रेशो बतानी है, न्यू रेशो गर्ल्स और बॉयज़ की, न्यू रेशो बताओ क्या आएगी न्यू रेशो। तो स्टूडेंट इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपने क्या करना है, इमेजिनरी करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, 5 है 3 है, इसको 500 ले लो और इसको 300 ले लो, सिंपल 100 में वैल्यू ले लेनी है आपने। आप 50-30 भी ले सकते हो, 5000-3000 भी ले सकते हो, लेकिन बेस्ट अगर आपने करना है तो आप सिंपल इसको 100 में कन्वर्ट कर लो, 500 और 300 इसको अज्यूम कर लो, गॉट इट? अब क्या करना है, 10% इंक्रीज करनी है, तो 500 तो ऑलरेडी है, 500 का 10% कितना होता है 50, इसका 10% कितना हो गया 50, 500 में 50 ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू बन जाएगी 550, न्यू वैल्यू कितनी बन गई 550, 300 है 10% डिक्रीज हो रहा है, 300 में से 30 माइनस हुए तो क्या आ गया 270 आया, क्या आया 270 आया। तो अभी इनमें कॉमन क्या है, जीरो कॉमन है, जीरो में जीरो कैंसिल कर दो, आगे कोई कॉमन नहीं है, तो रेशो क्या आ गई 55:27 आ गई स्टूडेंट्स, ये न्यू रेशो है 55:27। तो अभी गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो क्या रहेगी 2021 में 55:27। हाँ जी क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी क्लियर है? हाँ जी गॉट इट फाइन क्लियर, रिपीट कर दो हरप्रीत कौर। बच्चे 5 को 500 अज्यूम किया है, 3 को 300 अज्यूम किया है, 10% इसका 50 होता है तो टोटल हो गया 550, इसका 10% 30 होएगा तो इसकी माइनस हो गए 270 रह गया, तो जीरो कैंसिल होगी 55:27 आ गई, ठीक है? हाँ जी गॉट इट। अभी इसके टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एग्जाम में आया भी हुआ है, रिपीट भी हुआ हुआ है, तो मैं आपके क्वेश्चन डालता हूँ, आपने सॉल्व करना है, फाइन। तो ये कोई क्लियर हो गया, मैं एक बार देख लूँ चैट बॉक्स में, क्लियर है ना सभी को? ठीक है ओके फाइन चलो। हाँ जी बच्चे अभी ध्यान से क्वेश्चन करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। हमारे पास बुकलेट में क्वेश्चन नंबर है 17th नंबर क्वेश्चन है वर्धमान की बुकलेट में, उसमें है कि एक कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ दी हुई है वो 7:8 दी हुई है। अब नेक्स्ट ईयर क्या होता है, 20% बॉयज़ इंक्रीज हो जाते हैं और 10% गर्ल्स इंक्रीज हो जाती हैं, 10% गर्ल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई और 20% बॉयज़ की स्ट्रेंथ हो गई, न्यू रेशो निकालनी है, न्यू रेशो निकालनी है जल्दी क्विकली, समझ आ गया ना? 7:8 दी हुई है बॉयज़ की 20% और गर्ल्स की 10% इंक्रीज हुई है, न्यू रेशो निकाल दो जल्दी जल्दी निकाल दो, बस अगर समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी निकालो। हाँ जी देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है देखते हैं।
जल्दी क्विकली क्या कर रहे हो? नहीं समझ आ रहा है? हाँ जी दिलजीत, अमृत पाल 35:22, दिलजीत 21:22, जगविंदर 21:22, हाँ जी जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन निकाल रहा है, कौन कौन नहीं निकाल रहा है, जल्दी चेक कर लो। हाँ जी हो गया क्लियर? 21:22 सभी का, 21:22 ठीक है देखते हैं। हाँ जी तो क्या किया, इसको 700 ज़ूम कर लिया, इसको 800 ज़ूम कर लिया, बिल्कुल क्लियर किया, यही किया ना। 700 में 20% कितना हो गया, 140 हो गया ना, तो 140 ऐड कर दो कितना बन गया, 840 बन गया। तो अभी बॉयज का 840 आ गया न्यू स्ट्रेंथ, इसका 800 का 10% 80, तो ये वैल्यू आ गई 880। ठीक है जी, अब जीरो से जीरो कैंसिल होगी। अब कॉमन क्या है, फोर कॉमन है, फोर 21 × 4 22 × 4 28, फोर के टेबल पे जा रहा है, 21 × 4 84, 22 × 4 88, तो न्यू रेशियो क्या आ गई, 21 × 22 आ गई, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर है सभी को? हाँ जी ओके है, फाइन ओके, चले आगे, गॉट इट? हाँ जी क्लियर है सभी को ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन, वो है हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन का, फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट है ए रेशो बी, सी रेशो डी, इस तरह को होता है। अभी रेशो और प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है प्रॉपरली जिसको हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। जैसे ए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को हम बोलेंगे सेकंड, सॉरी बी और सी को कंबाइंड करके क्या बोला जाता है, मीन प्रोपोर्शन, और डी को फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है, ये प्रोपोर्शन होते हैं, फर्स्ट होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है, और फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। अब होता क्या है इसमें, याद रखना स्टूडेंट, चार हमारे जो वैल्यूज दी होती हैं उसमें फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से होती है और सेकंड की मल्टीप्लाई थर्ड से होती है। मींस ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी होना चाहिए, ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए, ए मल्टीप्लाई डी और बी मल्टीप्लाई सी इक्वल होना चाहिए हमेशा, फाइन। अभी चलते हैं क्या करते हैं, अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी का कॉन्सेप्ट याद रखना, क्लियर है, चल चलते हैं आगे। अभी क्वेश्चन इसमें आपको बेसिक लेवल पे जो क्वेश्चन मिलेगा वो कैसे क्वेश्चन मिलेगा, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुकलेट में, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुकलेट में, वो है 29x18, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बिल्कुल क्लियर है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू, ये x है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो 2 × 18, और बीच में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 9 × x, सिंपल है, बहुत इजी है, 9 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9 × 2, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। या सिंपल कर सकते हो 2 × 18 क्या होता है, 36, तो 9 × 4 क्या होगा, 36, तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 4 रहेगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जो हमने तीन कॉन्सेप्ट किए हैं, 99% इसमें से क्वेश्चन रेशो का आपको पूछा जा सकता है, फाइन। तो बाकी बुकलेट में और कॉन्सेप्ट्स भी हैं, लेकिन वो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे प्रॉपर वर्क कर लोगे तो आपके क्वेश्चन 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में, 100%, फाइन।
तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको लेकर आता हूँ आपके आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अभी हम देखते हैं कि अभी रेशो निकालनी है। एक कॉन्सेप्ट आपको और करवा देता हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट, फिर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास जब भी ए रेशो बी और बी रेशो सी दिया होगा, ए रेशो बी दिया हुआ है और बी रेशो सी दिया हुआ है हमें, ठीक है, और इसमें से हमने क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। इसमें से हमने क्या निकालना है, ए रेशो बी रेशो सी निकालना है। हमें दो अलग अलग रेशो दी हुई हैं, ए और बी, बी और सी, ए बी सी अब कंबाइंड निकालना है। तो स्टूडेंट्स करना क्या है, बेसिक सिंपल सा स्टेप है वो आपने फॉलो करना है। कॉमन वैल्यूज क्या है, कॉमन टर्म्स, वैल्यू नहीं, कॉमन टर्म्स। कॉमन टर्म्स क्या है, कॉमन टर्म बी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है। जो कॉमन टर्म है ना उसको ऊपर नीचे लिख लो, जैसे बी है ना, कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिख लो। अभी हमने बी ए बी सी निकालना था, ए बी बी सी, कॉमन टर्म्स को ऊपर नीचे लिख लो, इस तरह कॉमन टर्म्स को ऊपर नीचे लिख लेना आपने, ठीक है। जैसे बी क्या है, फोर, यहाँ पे क्या है, फाइव, ठीक है। ए बी, तो यहाँ पे हमने ए रेशो बी लिख लिया, फोर, थ्री रेशो फोर लिख लिया, और बी रेशो सी क्या था, फाइव रेशो सेवन, मीन्स बी को नीचे बी लिख लिया, ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, फोर को रिपीट कर दो फोर, फाइव को रिपीट कर दो आगे फाइव, सिंपल। ये रिपीट करना है, ये आगे रिपीट करना है। अभी मल्टीप्लाई करो, थ्री इंटू फाइव 15, 4 इंटू फाइव 20, 4 इंटू सेवन 28, कॉमन है कुछ, कोई कॉमन नहीं है, तो रेशो क्या आ गई, 15, 20, 28, ये आंसर आ गया, न्यू रेशो आ गई। क्लियर है तो बता दो जल्दी, हाँ जी क्लियर है तो जल्दी बता दो। कुछ ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने किया हुआ था ये कॉन्सेप्ट पहले मेरे से, तो ऑलरेडी वो निकाल के बैठे हुए हैं, वेरी गुड, यू आर रियली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, whether it is conducted on 16th or delayed doesn't matter। Subhradeep ने बोला है repeat कर दो, सिंह सिंह ने बोला है repeat कर दो, okay। बच्चे देखो जो values है common है उसको ऊपर नीचे रख लो, b और b common term है उसको ऊपर नीचे रख लिया, जैसे 3 और 4 लिख लिया, 5 और 7 लिख लिया, 3 और 4 लिख लिया, 5 और 7 लिख लिया, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, 4 के बाद 4 को रिपीट कर दिया, 5 से पहले 5 को रिपीट कर दिया, 3 इंटू 5 15 हो गया, 4 इंटू 5 20 हो गया, 4 इंटू 7 28 हो गया, आगे कोई कॉमन नहीं था तो ये आंसर आ गया। हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट, हाँ जी फाइन, बिल्कुल क्लियर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कॉन्सेप्ट में से देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये रब कर देता हूँ मैं, ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 बुकलेट में है। ए रेशो बी है, फोर रेशो बी रेशो सी भी फोर रेशो थ्री है, ए बी सी निकालना है जल्दी, क्योंकि कैसे निकालोगे, ए बी सी, ए बी सी कैसे निकालोगे जल्दी, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है आपने, जल्दी 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 कर दो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, क्विकली देखते हैं किसके सबसे ज्यादा आंसर आ रहे हैं। हाँ जी क्लियर है, ए बी बी सी, अभी देखो बी कॉमन टर्म है, ऊपर नीचे लिख लो इसको, फोर रेशो थ्री, ए बी आ गया, फोर रेशो थ्री, बी को बी के नीचे लिख लिया, अब थ्री को थ्री रिपीट कर दो, फोर के आगे फोर रिपीट कर दो, फोर इंटू फोर 16, थ्री इंटू फोर 12, थ्री इंटू थ्री 9, कोई कॉमन नहीं है तो रेशो क्या आ गई, 16 12 9, 16 12 और 9, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है जी, ऑल क्लियर।
ओके फाइन, ऑल क्लियर है ना? चलो ओके फाइन, ठीक है जी, चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं इसका बुकलेट में से ही। बुकलेट में से हमारे पास बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन डाल के देता हूं, जिनके पास बुकलेट नहीं है आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकंड इज 2:3 एंड सेकंड 2/3 इज 5:8 देन सेकंड नंबर निकालना है 20, 30, 48, 58। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी निकालिए जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करना आपने इसको। हाँ जी कीर्ति नागपाल 30, कीर्ति 30, हरदीप 30, दलजीत कौर 30, कीर्ति सेकंड नंबर इज 30। कीर्ति कह रहे हैं सेकंड या 30 ऑप्शन आएगा, बाकी भी चेक कर लो प्लीज। हाँ जी जल्दी जल्दी चेक कर लो, सिक्सटी टू स्टूडेंट्स देख रहे हैं, 50 लाइक्स हैं, 12 स्टूडेंट्स अभी भी कंजूसी कर रहे हैं लाइक्स में, तो कर दो यार, क्यों कर रहे हो, लाइक ही तो मांग रहे हैं हमसे, अच्छा लग रहा है तो कर दो प्लीज। चलो एनी हाउ आपकी मर्जी स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 98 इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3 एंड सेकेंड टू द थर्ड नंबर इज 5:8 देन सेकेंड नंबर इज, हमने सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, स्टूडेंट्स वर्धमान करियर प्लेस में नेक्स्ट सेशंस के लिए ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हम अभी जो नेक्स्ट हमारा शेड्यूल रहेगा वो जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, अकेडमीज ओपन हो जाएंगी, तो फिजिकल ऑफलाइन क्लासेस तो रहेंगी रहेंगी, साथ में इस तरह प्रॉपरली ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी, और इसका लिंक सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को भेजा जाएगा जो वर्धमान के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने एडमिशन्स करवाई हैं। तो आप रिकमेंड कीजिए, हम बहुत अच्छी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी लेकर आ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, फाइन। तो स्टूडेंट्स अभी जो मिसलेनियस टॉपिक हैं जो सितंबर एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपरली बहुत अच्छे वीडियो मैं लेके आऊँगा, मतलब 2 आवर्स में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो हम सभी कलेक्टिवली अलग अलग टॉपिक्स में से बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पिक होते हैं वो हम डायरेक्टली फास्ट करेंगे। तो उससे पहले चलो ये लास्ट कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एक बार। सम ऑफ द थ्री नंबर इज 98, तो पहले तो इसकी रेशियो निकालनी होगी 2:3, 5:8 ए बी बी सी, इसको ऊपर नीचे कर लो 2, 3, 5, 8 ठीक है, अब 5 + 3 हो गया 2, 5, 10, 5, 3, 15, 24 तो ये रेशियो आ गई सभी की, आ गई ना 10, 15, 24 टोटल कर लो, टोटल कितना है 98 15, 25, 49 के इक्वल है, 1 पार्ट की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, 1 पार्ट की वैल्यू 2 रुपीज आ गई। हमें कौन सा पार्ट निकालना था, हमें मिडल वाला पार्ट निकालना था, सेकंड पार्ट उसकी वैल्यू है 15 पार्ट, 1 पार्ट की वैल्यू 2, 15 की 15 इंटू 2 30, तो आंसर क्या होगा 30, बिल्कुल क्लियर है जी 30 है। हाँ जी ओके है जी, ओके जी ओके क्लियर, लाइक दी ऑप्शन नीचे आ रही है बच्चे ध्यान नाल देखो, लाइक दी ऑप्शन आ रही है बच्चे,
चलो एनी हो कोई डजेंट मैटर, आई एम जस्ट किडिंग, कोई गल नहीं, जो लाइक्स नहीं भी घट होंगे तो भी कोई गल नहीं, ओके फाइन। चलो हाँ जी ओके क्लीयर है। तो स्टूडेंट्स ये अपने को इस तो बाद जो अपनी रेशो की बुकलैट के जो क्वेश्चन ने वर्धमान की बुकलैट के एक ट्वैल्थ क्वेश्चन है जिन्हों तुम कट कर दियो रोंग है, ट्वैल्थ क्वेश्चन तो थर्टीन क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन गलत है, ट्वैल्थ तो थर्टीन, ट्वैल्थ गलत है, थर्टीन रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है, ये दोनों नहीं करने, ट्वैल्थ थर्टीन ठीक है। बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, डाउट्स आप ले लेंगे थोड़े बाद दे विच। ते बाकी तुसी जेड़े स्टूडेंट्स आज नहीं देख सके या जिन्होंने मिस किया उन्होंने फोन करके जरूर दसीओ, वर्धमान के स्टूडेंट्स जेड़े कि प्रोपर वधिया क्वालिटी के नाल आपां लाइव क्लासेस स्टार्ट की है। जेड़े तुसी होर टॉपिक्स एग्जाम तो पहले करना चाहते हो तुसी जरूर मैनू वट्सअप करो, तो जिनी ज़्यादा मेजोरिटी के मैं वट्सअप आवगे या टॉपिक्स की लिस्ट आऊगी मैं कोशिश करूँगा कि एग्जाम तो पहले उन्होंने कवर करा, ठीक है। आई विल डेफिनेटली इंश्योर यू कि एग्जाम से पहले पहले हम वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो ऑप्टिमम होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो प्रॉपरली, अगर आपको कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो आई विल ट्राई मी बेस्ट कि उसको मैं कंप्लीट कर लूँ एग्जाम से पहले, अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अगर डिमांड करेंगे। फाइन हाँ जी ओके जी क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये था, और आपने जो वर्धमान की बुकलेट है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, उसमें से रेशो की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेनी है, ट्वेल्थ और थर्टीन क्वेश्चन नहीं करना है। फाइन क्लियर है। अभी 4 PM काफ़ी स्टूडेंट्स की सेकंड क्लास है, सेकंड एग्जाम की क्लास है, ठीक है, सेकंड पेपर की क्लास है, तो उन्होंने वो लगानी है, तो 10 मिनट्स रह गए हैं, तो उनको एक रेस्ट भी चाहिए, एक प्रॉपर ब्रेक भी चाहिए। फाइन तो अभी चैट बॉक्स में आ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस करवा दो सर। ओके स्टूडेंट्स आई ट्राई माई बेस्ट कि हम एक अच्छे टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो करें, ठीक है। एनी हाउ ओके स्टूडेंट्स, बाकी मैं हर बार बोलता हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी क्वेरी रहती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, बस वर्धमान करियर प्लेस को रिकमेंड करते रहिए, अपने कोई भी विलिंग स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं उनको सजेस्ट कीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, जूम ऐप से बहुत अच्छा लगा होगा, जो भी आपकी फीडबैक है वो मुझे मिल रही है, फिर भी ग्रुप में एक बार अपनी फीडबैक जरूर दीजिए और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए तो वो भी मोटिवेट होकर ये क्लासेस अटेंड करें। फाइन थैंक यू वेरी मच। इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो आप उसको देख सकते हैं हमारी ऐप में जाकर। फाइन थैंक यू। हाँ जी कोई एक मिनट है हमारे पास, किसी ने कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है, कुछ भी पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए प्लीज, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।